इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 29 नवंबर रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। 30 नवंबर को दोपहर 2:59 तक कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। 30 नवंबर को सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। 30 नवंबर 1858 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। इसी दिन वर्ष 2010 में भारतीय वैज्ञानिक और स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता राजीव दीक्षित का निधन भी हुआ था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन भी 30 नवंबर 2012 को हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की प्रमुख खबरों की ओर। घटिया तहसील के रुई गांव में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब भारी पुलिस बल और तहसील के लगभग सभी पटवारी गांव में एकत्रित होने लगे। एसडीएम गोविंद दुबे, सीएसपी अश्विन कुमार नेगी, 30 पटवारी, 6 थानों के 50 पुलिसकर्मी और 50 कोटवार के साथ एकाएक गांव पहुंचे और यहां सीलिंग की 116 बीघा जमीन पर खड़ी गेहूं की फसल को हटाना शुरू कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रशासन के पक्ष में सीलिंग की 116 बीघा जमीन का निर्णय दिया है। कई दशकों से लंबित इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रशासन ने आनन पानन में कब्जा लेने की कार्रवाई की। 116 बीघा जमीन पर गांव के ही 10 से अधिक आंजना परिवार के सदस्यों का कब्जा था, जिसके चलते विवाद या हिंसा की आशंका में प्रशासनिक अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल और पटवारियों के साथ पहुंचे। इस दौरान आधा दर्जन से अधिक जेसीबी से गेहूं की खड़ी फसल को हटाया गया। ये घटिया तहसील के रुई गांव का मामला है। यहां पे सीलिंग की जमीन जो शासन के पक्ष में हो चुकी है, करीब 100 बीघा की जमीन है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय से जो है शासन के पक्ष में आदेश हो चुका है, जिस पे कब्जा लेने के लिए पुलिस बल के साथ राजस्व की टीम यहां पर पहुंची है और विधिवत कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। अभय न्यूज की पहल एक बार फिर रंग लाई है। महिला पटवारी को धमकाने वाले बरनागर विधायक के पुत्र पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। अभय न्यूज ने 25 नवंबर की शाम को प्रसारित बुलेटिन में बरनागर गांव फतेहपुर में पदस्थ पटवारी पूजा परिहार द्वारा अतिक्रमण रोकने पर विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण मोरवाल द्वारा धमकाने का ऑडियो दिखाया था। करण मोरवाल गांव में विष्णु चौधरी द्वारा किए जा रहे सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की पैरवी कर रहा था, जिसके चलते उसने पटवारी को धमकाया भी था। अभय न्यूज की खबर के बाद सभी समाचार पत्रों और चैनलों ने मामले को प्रमुखता से उठाया, जिससे प्रशासनिक गलियारों में मची उठापटक के बाद कलेक्टर ने करण मोरवाल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। यही नहीं, शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण को नहीं होने देने के चलते पटवारी पूजा परिहार को प्रशस्ति पत्र दिए जाने की बात भी कही है। इसके साथ ही भाजपा के प्रतिनिधि भी एक्शन मोड में आ गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में तंज कसते हुए कहा कि प्रत्येक जन प्रतिनिधि को अपने परिवार पर अंकुश लगाना आवश्यक है, ताकि इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि ऐसे कोई भी परिवार के लोग अगर इस जन की बात करते, ये अच्छी बात नहीं। मैं इसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके भी अभिभावक या जो उनके अपने परिवार से विधायक हैं या बाकी पदाधिकारी हैं, वो इसकी गंभीरता समझेंगे। वो अपने दायरे में रहकर के बात करना चाहिए। ये कोई ऐसे सरकार के किसी अधिकारी कर्मचारी को धमकाना, ये निंदनीय बात है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बैकुंठ चतुर्दशी के मौके पर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धवट घाट पर पहुंचे। पितरों के मोक्ष के लिए श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में तर्पण किया। इसके साथ ही कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने भी शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि सिद्धवट पर वर्ष में दो बार वैशाख मास की चतुर्दशी और बैकुंठ चतुर्दशी पर श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ रहती है। मान्यता है कि इन दोनों तिथियों पर पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं। शहर के चप्पे चप्पे पर लगे सीसीटीवी कैमरों द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है, जिसके चलते ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के चालान घर भेजना शुरू कर दिए गए हैं। 2 दिन के भीतर 77 लोगों के चालान घर भेजे गए हैं, जिसके तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। ऐसे ही मास्क नहीं पहनने वालों के चालान भी घर भेजने शुरू कर दिए गए हैं। शनिवार को 1 दर्जन से अधिक लोगों की पहचान कर चालान उनके घर भेजे गए। इसलिए अभय न्यूज शहरवासी और आने वाले आमजन से अपील करता है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मास्क पहनें, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें। फैशन का नया पता ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी।
जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है, फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नई बिग मार्ग, उज्जैन। न केवल उज्जैन जिला बल्कि उज्जैन संभाग की खबरों पर पैनी नजर रखने वाले अभय न्यूज के दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब अभय न्यूज दर्शकों के परिवार में 15,000 सदस्य शामिल हो चुके हैं। अभय न्यूज ऐसे दर्शकों को समय समय पर सम्मानित करता है, उनके प्रति अपना आभार भी मानता है। ऐसे ही अभय न्यूज परिवार के सदस्य हैं ढांचा भवन में रहने वाले पवन दास, जो की राम कथा और भागवत कथा करते हैं। रविवार को अभय न्यूज की टीम ने उनके घर जाकर सरप्राइज गिफ्ट भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। नमस्कार पवन दास जी, हम अभिनय टीम की तरफ से आए हैं। आप हमारे टॉप फैन लिस्ट में शामिल हुए हैं। अभिनय टीम आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाई है। जी श्री महाकाल। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए अभिनय के बारे में। जी जय श्री महाकाल। अभिनय की मैं क्या तारीफ करूं। अभिनय जो है हमारे परिवार में ऐसा वर्चस्व बना दिया है कि जब तक नहीं सुनते हैं तब तक हमें आनंद नहीं आता है। मेरा छोटा सा आश्रम है जो मेरी बेटी राम कथा करती है, जो प्रभु प्रिया रामायणी के नाम से मशहूर है। तो पूरा परिवार बैठकर हम अभय न्यूज को धन्यवाद देते हैं, सुनते हैं। और मैं दीदी को भी सुनता हूँ, तिरवार दीदी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभय न्यूज नहीं, ये हमारा पूरा परिवार है। इतना अच्छा लगता है, जब तक अभय न्यूज नहीं सुनते हैं तब तक हमें आनंद नहीं आता है। और हम दोनों समय का अभय न्यूज सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है परिवार को। और अभय न्यूज की पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा कि महाकाल ऐसे ही ये आगे बढ़े, खूब बढ़े आगे, क्योंकि इतने परिवार को बढ़ाया है इन्होंने, इतना बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगता है अभय न्यूज सुनते हैं। तो जय श्री महाकाल। तो अभय न्यूज की टीम पहुंची थी हमारे आज के टॉप फैन पवन दास जी के घर पर। यदि आप भी हमारी टॉप फैन की लिस्ट में आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, हमारा बुलेटिन रोज सुनना है, उसे शेयर करना है, लगातार कमेंट करते रहना है और आप भी बन जाएंगे हमारे टॉप फैन। हो सकता है इसी तरह किसी दिन हमारी टीम आपके दरवाजे पर आए और लेकर आए एक सरप्राइज गिफ्ट। महितपुर में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी सहित अन्य प्रकार की चोरियों को लेकर पुलिस ने चोर गिरोह की तलाश तेज कर दी है। इसके लिए महितपुर थाना पुलिस को इनपुट मिला है कि रतलाम सहित आसपास के जिलों के चोर गिरोह महितपुर में आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने चेकिंग अभियान में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में SDOP आर के राय ने निर्देश जारी किए हैं। पुलिस जल्द से जल्द चोर गिरोह को पकड़ने का दावा कर रही है। दो पहिया वाहन का गिरोह है कोई, जो महितपुर रोड नागदा और महितपुर में सक्रिय है, और उसमें भी दो तीन गाड़ियां चोरी होने की रिपोर्टें हमारे पास आई हैं और उसमें भी हम लगे हैं। तराना में नगर निगम की राजस्व वसूली न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची है, जबकि नगर में गंदगी चरम पर है, जिसके चलते नगर वासियों में नाराजगी का माहौल है। इसके साथ ही नगर निगम भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रविवार को इसी संबंध में CMO CS जाट ने नगर निगम के कर्मचारियों को तलब किया और राजस्व अमले को वसूली बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही CMO ने शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि हमारे अभी पिछले महीनों में कोरोना की वजह से वसूली नहीं हो पा रही थी, वसूली बहुत कम मात्रा में आ रही है, इसलिए इनको समझाइश दी है वसूली का। दूसरा आवास का MIS वगैरह हो रहा है, लेट हो रहे हैं, उनकी भी उनको टाइम लिमिट से काम के लिए बोला गया है और अपना साफ सफाई के लिए उनका वो उनको भी बोला गया है। अपना कोई कार्य मतलब पेंडिंग नहीं होना चाहिए। जनता का कोई भी हितग्राही आता है, आवेदक आता है, तो उसका काम तत्काल करो, जो भी नियम में आता है तत्काल काम करना चाहिए, इसीलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। रविवार को उज्जैनी रक्त संचार ग्रुप द्वारा जिला अस्पताल में संचालित ब्लड बैंक में 25 यूनिट ब्लड दान किया गया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी के चलते उज्जैनी रक्त संचार ग्रुप के सदस्यों ने विभिन्न ब्लड ग्रुप का रक्त दान किया। इस मौके पर ग्रुप के रूपेश बिड़वाना, रोहित मालवीय, पीयूष शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। रविवार को मंगलनाथ रोड पर आयुर्वेदिक कॉलेज के पास निजी गार्डन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने सुंदरधाम आश्रम पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्य योजना तैयार की। हिंदूवादी नेता और यादव युवा महासभा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र यादव की अगुवाई में निर्णय लिया गया कि सोमवार से संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, कब्जा हटाने तक आंदोलन जारी रहेगा।
कभी कभी जरा सी लापरवाही के भी बेहद गंभीर परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। रविवार शाम को भी ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला। देवास रोड पर रुक्मणी मोटर्स के सामने अर्टिगा के चालक ने बगैर पीछे देखे ही गेट खोल दिए, जिस वजह से बाइक से आ रहा परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि परिवार के सदस्यों को मामूली चोट ही पहुंची है, लेकिन एक 14 वर्षीय बालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसलिए अभय न्यूज सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि वाहन जितनी गंभीरता से चलाएं, उसे रोकते या उतरते वक्त भी उतनी ही सतर्कता रखें। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए, स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C 1/5 महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें देदरादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में। उज्जैन के केबल ऑपरेटर उमर खान को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। उस पर हाल ही में कुक्षी में 37 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। उमर खान पर 20 से अधिक अपराध दर्ज हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा से नगर निगम द्वारा कार्तिक मेला ग्राउंड पर मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष COVID-19 संक्रमण की वजह से प्रशासन ने मेला आयोजन की अनुमति नहीं दी है। मेला नहीं लगने के कारण ग्रामीण मायूस हो गए। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने प्रदेश भर के जिला हॉस्पिटल में COVID-19 के लिए रखे गए अस्थायी स्टाफ को कम करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने गाइडलाइन भी दी है। इस गाइडलाइन का पालन करें तो उज्जैन के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल शासकीय माधवनगर में ही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। रविवार को नगर के 8 मंडलों के कार्य समिति का गठन किया गया। नगर अध्यक्ष की सहमति से सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने 105 बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, जिनसे अपराध नहीं करने के बॉन्ड भरवाए गए हैं। तो आपने देखी उज्जैन शहर की खास खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ, इसी समय नमस्कार।